तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स इंडिया के यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए यहाँ पे एक और फिर से न्यू अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है। और वो अपडेट हमें यहाँ पे फाइनली एंड फाइनली इंडिया स्टेबल अपडेट है, यानी कि वो अपडेट MI पायलट्स के लिए नहीं है, वो अपडेट स्टेबल अपडेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर वो अपडेट हमें पब्लिक में यहाँ पे कब तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसमें हमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिल जाता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के न्यू लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max के लिए एक लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है 12.5.3.0 का RJXINXM, और इस अपडेट का जो साइज़ है वो हमें 178 MB का देखने के लिए मिल जाता है, और इस वाले स्क्रीनशॉट में आपको 498 MB का देखने के लिए मिल जाता है। तो जो इसका 498 MB है वो हमें 12.5.2.4 से देखने के लिए मिलता है, जो केवल MI पायलट्स के लिए यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, और 198 MB हमें 12.5.2.0 से देखने के लिए मिल जाता है। और इस वाले अपडेट में हमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दे दिया गया है, और इसके साथ ये अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट्स में रिलीज़ किया गया है। तो फिर आप इस अपडेट को चूज़ अपडेट पैकेज से OTA रोम या रिकवरी रोम से फ्लैश नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली बात हमें अभी बहुत ही बुरी इस अपडेट के लिए देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन ये अपडेट हमें अब MI पायलट से पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। Redmi Note 9 Pro Max का MIUI का 12.5.3.0 का RJXINXM इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो Redmi Note 9 Pro Max में 12.5.2.4 का इंडिया स्टेबल अपडेट आया था MI पायलट्स में, उसमें हमें यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको इसमें मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर ऐड कर दिया गया था, लेकिन अब ये जो अपडेट न्यू अपडेट रिलीज़ हुआ है 12.5.3.0 का, इस अपडेट में से मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर को यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी कि बहुत सारे यूज़र्स 12.5.3.0 को यूज़ कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, और बहुत ऐसे यूज़र्स बहुत हैं जिनको ये अपडेट बहुत ही पहले देखने के लिए मिल गया था, यानी कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर बहुत ही पहले देखने के लिए मिल गया था, यानी कि 12.5.2.4 में, लेकिन 12.5.3.0 में इस मेमोरी एक्सटेंशन को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो होपफुली अब ये मेमोरी एक्सटेंशन हमें अपकमिंग न्यू अपडेट में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max में मेमोरी एक्सटेंशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही थी। इसी के कारण हमें Redmi Note 10 Pro Max में बार बार MI पायलट्स में अपडेट आए जा रहे थे, लेकिन अब इसको यहाँ से निकाल दिया गया है, यानी कि मेमोरी एक्सटेंशन को। तो अब यहाँ पे ये स्टेबल अपडेट भी रिलीज़ हो चुका है 12.5.3.0 का, और होपफुली नेक्स्ट अपडेट में मेमोरी एक्सटेंशन का जो भी बग हमें देखने के लिए मिल रहा है Redmi Note 10 Pro Max में, उसको यहाँ पे बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि Poco M2 Pro में मेमोरी एक्सटेंशन के साथ इंडिया स्टेबल अपडेट 12.5.2.0 का एंड्रॉयड आर पर बेस्ड, यानी कि 11 पर बेस्ड स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है। तो Redmi Note 10 Pro Max में भी उस इशू को यहाँ पे बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 9 Pro Max के 12.5.3.0 से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।